बीजेपी ने चुनाव प्रचार का एक नया तरीका निकाला है। राजधानी लखनऊ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अलग अलग चौराहों पर जो पार्टी के लोग हैं वो इस तरीके से हाथ में होर्डिंग लेकर, ये एक तरीके से आप कहिए तो कटआउट लेकर यहाँ खड़े हैं और जो सरकार ने जो काम किया है उनके बारे में बताया जा रहा है। अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री हैं, यूपी में सह प्रभारी हैं चुनाव के, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और ये हजरतगंज चौराहा है। इसी तरीके से तमाम सारे जो चौराहे, चाहे परिवर्तन चौक की बात करिए, बापू भवन चौराहे की बात कर लीजिए, मुख्यमंत्री आवास के पास जो चौराहा उसकी बात कर लीजिए, हर जगह इसी तरीके से तमाम सारे जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं और वो अलग अलग सबके हाथ में कटआउट हैं। बंद किए वसूली के कारोबार, चला बुलडोजर, रुके अवैध कारोबार, बिना भेदभाव भर्ती रोजगार, बेहतर सुरक्षा, कानून व्यवस्था, मुफ्त राशन गरीब के द्वार, तो इस तरह तमाम सारी चीज़ें जो हैं वो हर एक चीज़ें की हुई हैं। और अगर हम आपको दिखाएं तो कहीं ना कहीं जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए जितने भी लोग हैं सब ने मास्क लगाया हुआ है, 5 लोगों की ये संख्या है। और इसी तरीके से अलग अलग चौराहों पर जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो हाथ में अलग अलग स्लोगन, हाथ में अलग अलग बैनर जो लेकर वो पहुंचे हुए हैं और कोशिश यही है कि जब खुद चुनाव आयोग ने रोक लगाई हुई है तो उसको मानते हुए, उसका पालन करते हुए चुनाव कैंपेन को भी आगे बढ़ाया जाए। यानी एक तरफ तो दूसरे सियासी दल वर्चुअल तरीके से प्रचार में जुटे हैं तो बीजेपी वर्चुअल और एक्चुअल दोनों तरीके से चुनाव अभियान में जुटी है। अमित शाह देखिए वो कैराना में है, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री अलग जगह पर कर रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।